साथियों, मैंने सुना है कि टीएमसी में इन दिनों बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। ये मैंने सुना है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है। टीएमसी, उसमें जो कुछ भी थोड़े बहुत समझदार बचे हैं, ये समझदार लोग वो सब दीदी ने नंदीग्राम जाने की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ताव में आकर दीदी ने नंदीग्राम जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। ये टीएमसी में जो समझदार बच्चे हैं ना, उनकी चर्चा चल रही है। मुझे बताया गया है कि नंदीग्राम में अपनी हार होते देख टीएमसी ने कुछ लोगों ने तय कर लिया था कि ममता दीदी को दूसरी सीट से भी लड़ाया जाए, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने फिर दीदी को स्पष्ट कहा कि ये उनकी दूसरी बड़ी गलती होगी। कुछ लोग ये भी दीदी को बोले कि बंगाल में दोनों सीटों पर दीदी अगर आप हारोगी तो भविष्य में टीएमसी का एक राजनीतिक दल के तौर पर चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। साथियों, ममता दीदी सही सलाह देने वालों से कम और गलत सलाह देने वालों से ज्यादा गिरी हुई है। गलत सलाह देने वालों ने पहले दीदी को और दीदी की स्कूटी को नंदीग्राम भेजा, अब उन्हीं लोगों ने दीदी का टिकट बंगाल से ही काट दिया है। ये पता नहीं दीदी का हित चाहने वाले लोग हैं या दीदी का अहित चाहने वाले। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, दो बातें साफ हो जाती हैं। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, सही है कि नहीं है? तभी तो कोई बाहर जाने की बात करेगा ना भाई, मेरी बात सही है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, दीदी अब बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। अच्छा है, विधानसभा हारने के बाद लोकसभा में जरूर हाथ आजमाइए दीदी। यहां हल्दिया से वाराणसी का जो वॉटरवे हमारी सरकार ने विकसित किया है, हो सकता है उसके कारण आपका मन जरा वाराणसी की तरफ मुड़ गया हो। और हां दीदी, मैं आपको कान में एक और बात कहना चाहता हूं। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। जैसा आप लोगों का दिल उदार है ना, मेरी काशी के लोगों का दिल भी ऐसा ही उदार है भैया। ये जरूर है कि वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे,
चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे, यहां आप जय श्री राम की आवाज से चिढ़ती है वहां आपको हर दो मिनट के बाद हर दर हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। दीदी, ओ दीदी, फिर आपका होगा क्या? आप क्या करोगी? किस पर गुस्सा करोगी? मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, बनारस के लोगों पर, यूपी के लोगों पर गुस्सा मत करिएगा दीदी। यूपी बनारस के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, वो इतने बड़े दिल वाले लोग हैं, वो आपको भी बहुत स्नेह देंगे और आपको दिल्ली भी नहीं जाने देंगे, वहीं रखेंगे।